आंटी भी क्वीन की तरह थोड़ा सा खा रही है। चलो जी, कैसे आंटी? हम 90s के बच्चे तो जी शहजादियों की, मरकाओं की और सल्तनतों की कहानियां सुनते सुनते बड़े हुए हैं। आजकल के बच्चे थोड़े डिफरेंट हैं, लेकिन हम अपनी बात करते हैं। तो हम लोग जी, मैं तो सोचती थी बचपन में कि शहजादियां मलकाएं जो दिल चाहे खा सकती हैं, ढेर सारी चॉकलेट्स, कैंडीज, चिप्स, जितना मर्जी। लेकिन रियल में थोड़ा अलग होता है। अब आजकल क्वीन एलिजाबेथ की जो है वो डेथ हुई हुई है, तो उससे रिलेटेड एक वीडियो आ रही थी, काफ़ी वीडियोज़ आ रही थी। एक मैंने इंटरेस्ट की थी, वो थी उनके शेफ ने जो है उनकी बर्थडे का केक बनाना बताया। इधर आप देख रहे हैं, मैंने हाफ कप शुगर जो है वो 4 eggs में जो है वो मिक्स कर दिया। अब इसको जो है वो मैं डबल बॉयलर पे रखूंगी। नीचे पानी जो है वो बॉयल हो रहा था और उसके ऊपर मैंने बाउल रख दिया। ये देखें, अभी ये बिल्कुल ना थिक थिक सा होता है, और अब देखें ये बिल्कुल पानी जैसा। जैसे ही ये पानी जैसा हो जाएगा, इसे हम हटा लेंगे, क्योंकि हमने इसको स्क्रैम्बल एग्स नहीं बनाना, वो तो अजीब सा होगा। अब यहाँ पर मुझे इतना ज़्यादा बीट करना चाहिए था कि ये फॉर्म बन जाए। मैंने ज़्यादा किया नहीं, लेकिन फिर भी बहुत बेस्ट बना था। और मेल्टेड बटर काइंडली आप लोग लीजिएगा। तो जी, उनके जो शेफ़ हैं, क्वीन के शेफ़, वो 11 साल तक जो हैं वो उनके शेफ़ रहे, और उन्होंने उनकी बर्थडे के 22 केक्स बनाए। जी, उन्होंने बताया कि क्वीन जो है वो अपनी 2 birthdays सेलिब्रेट करती थी, एक अप्रैल में और एक जून में। एक उनकी जो थी ऑफिशियल बर्थडे थी, और एक उनकी जो है वो रियल बर्थडे थी। तो वो बताते हैं कि उन्होंने सेम यही केक ही उनकी हर बर्थडे पर बनता था, कि शायद उनकी फैमिली का जो था वो ये ट्रेडिशन था कि इस तरीके से जो है वो केक बनाया जाए। उन्होंने जो है हाथों से केक मिक्स किया था, तो मैंने कहा चले मैं भी हाथों से ही करती, क्योंकि जब हम लोग छोटे थे तो मेरी मदर भी जो है वो हाथों से ही केक मिक्स किया करती थी। ये स्पैटुलास वगैरह तो अब आए ना। क्वीन एलिजाबेथ के शेफ ने बताया कि क्वीन को चॉकलेट जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद थी, और ये उनका, वो कह रहे थे शायद उनका ट्रेडिशन था, बचपन से ही यही केक बनता था या क्या था, लेकिन यही सेम केक उनकी जो है वो बर्थडे पे जो है वो बना करता था। और वो उस केक का जो है वो स्मॉल पीस खाया करती थी, और बाकी अपने स्टाफ में और जो भी उस वक्त होता था उनकी बर्थडे सेलिब्रेशन में, उनको जो है वो दे दिया करती थी। हम लोग तो खैर छोटा पीस नहीं खाते, हम लोग तो बहुत ज़्यादा पीस खाते हैं। साथ ही साथ मैंने बटर पेपर पे ये टेक्निक की थी, जो हम अक्सर फेसबुक पे या टिकटॉक वगैरह पे देखते हैं, और ये काफ़ी अच्छी टेक्निक थी। इसको मैंने ग्रीस करके इसके ऊपर जो है वो केक डाल दिया था। क्वीन के जो शेफ थे वो क्वीन के लिए, प्रिंस फिलिप के लिए, डायना के लिए, और जो डायना के दोनों बच्चे थे उनके लिए भी जो है उन्होंने जो है काफ़ी खाने वगैरह बनाए हुए थे। तो वो बता रहे थे कि सबसे ज़्यादा जो चॉकलेट्स पसंद थी वो क्वीन की थी। क्वीन जो थी उन्हें चॉकलेट्स बहुत पसंद थी, जबकि फिलिप जो थे उनका जो इंटरेस्ट था वो चीज़ में ज़्यादा होता था। तो जी, ये मैंने जो चॉकलेट थी उसको चॉप करके इसमें डाल दिया, और मैं माइक्रोवेव करूँगी 30 seconds के लिए, और चेक करती रहूँगी कि इसको बस नरम करना है। मीनवाइल मैंने एक टेट्रा पैक क्रीम ली और इसको जो है वो बॉयल कर लेना है। अब ये देखिए, ये बिल्कुल हल्की सी नरम हो चुकी हुई है हमारी चॉकलेट, और उसके ऊपर जो है हमने अपनी टेट्रा पैक वाली जो है वो क्रीम डाल देनी है, और इसको मिक्स करके इसका गनाश बना लेना है, चॉकलेट गनाश। ये देखिए जी, हमारा चॉकलेट गनाश जो है वो रेडी है। अब ये हमारा केक भी जो है वो रेडी हो गया था। अब इसको मैं निकालूंगी। ये देखिए, ये ज़्यादा फूला नहीं, इसी वजह से कि मैंने इसको सही फॉर्म में नहीं किया था, लेकिन ये बहुत बेहतरीन बना था, टेस्ट में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा। शेफ़ ने एक और बात भी बताई कि ये रेसिपी जो है 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी रेसिपी है। बेसिकली जो ये चॉकलेट केक की रेसिपी है, ये क्वीन विक्टोरिया के जो शेफ़ हैं उन्होंने ईजाद की थी। इसमें से जो है मैंने हाफ चॉकलेट गनाश था उसको जो है वो मैंने रेफ्रिजरेटर पे रख दिया था, फ्रिज में रख दिया था, ताकि वो थोड़ा जो है वो हार्ड हो जाए, ताकि जो है हम उससे ऊपर उसकी आइसिंग कर सकें। लेकिन जो है मेरा गनाश जो था वो थोड़ा पतला था। अगर आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा करना है तो आप उसमें मज़ीद कुकिंग चॉकलेट जो है वो ऐड उसमें कर सकते हैं। मेरे पास कुकिंग चॉकलेट नहीं, व्हिपिंग क्रीम अवेलेबल थी, तो मैंने थोड़ी सी वो ऐड कर दी, जिसकी वजह से इसका लाइट चॉकलेटी कलर आ गया था। ये देखिए जी, मैंने अपनी रैक से जो है वो प्लेट में शिफ्ट किया है, क्लीन करें अपनी प्लेट को, और जी ये देखिए व्हिप क्रीम में जो है वो गनाश को मिक्स किया हुआ है, क्योंकि वो थिक नहीं हो रहा था। और इसका फ्लेवर बहुत मज़े का था, बच्चे बड़े और सब ने मज़े का खाया, और ये बिल्कुल भी इतना ज़्यादा हैवी नहीं था। ये देखिए जी, अब हम अपनी जो है इसके जो है उसके ऊपर फ्लावर्स बना देंगे। अच्छा, शेफ ने एक और बात भी बताई थी कि क्वीन की बर्थडे पे बस दरमियान में हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ होता था, उनका कोई नाम मेंशन नहीं होता था, कोई एज मेंशन नहीं होती थी, ना ही क्वीन एलिजाबेथ या लिजी या क्वीन, कुछ भी मेंशन नहीं होता था, खाली होता था। तो खैर, हमने बीच में जो है वो RIP लिख दिया, मी हर सोल रेस्ट इन पीस। तो जी, ये केक है, आप ये ज़रूर, ये रेसिपी मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है। लाइक वाकई अगर ये क्वीन की बर्थडे पे बनता था तो वाकई मज़े का था। मैं तो ट्राई करना चाह रही थी कि ट्राई करके देखें कि उनका चॉइस मज़े की थी या नहीं।
ये देखे हम भी क्वींस के जो है चॉइस पे क्वेश्चंस उठाते हैं। तो ये बहुत मज़े का बना था और मज़े की बात है ना, बजट बन गया था और बहुत जल्दी भी बन गया था। तो ट्राई करिएगा और बताइएगा कि कैसा बना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।